गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। और रिवीजन में आपने अभी देखा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया, जिसमें ऐड के बारे में सबसे बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपने जाना कि जैसे फर्स्ट डिजिट, वन डिजिट का बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है, वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है जीरो होता है। सबसे छोटा नंबर जो है वो जीरो ही है, जो कि नहीं के बराबर है। नेक्स्ट है, ऐसे ही बिगेस्ट अगर देखे जाए वन डिजिट का, तो ये नंबर हो जाता है आपका नाइन। अब अगर बढ़ते जाए, वन की जगह टू हो जाए टू डिजिट का, तो आप क्या करेंगे, 10 बना देंगे। बिगेस्ट टू डिजिट का हो जाएगा 99। थ्री डिजिट का बनाना हो तो ये 100 हो गया, ये 3 × 9 हो गया। फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो 3 0 और 1 लगा दो, और फोर डिजिट का बिगेस्ट बनाना है तो 4 × 9 लिख दो। बस इसी तरह से बनाना, बिगेस्ट में 9 का यूज़ करना है और स्मॉलेस्ट में 0 0 लगा के, जितने स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने हैं उसमें एक 1 0 कम लगा के 1 लगा दो। यानी 1 डिजिट तो केवल होता है 0, तो पूछते ही नहीं है, लेकिन 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1000, 5 डिजिट का 10,000, फिर लाख, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब एक होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का। स्मॉलेस्ट जैसे 3,262। अब आपको केवल ये देखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर आपको पता है 62 है, तो इधर की तरफ खुला हो, ये ध्यान रखो, जो बड़ा है उस तरफ ये ओपन मुँह होना चाहिए, ठीक है, और छोटे की तरफ बंद मुँह। और दोनों तरफ अगर इक्वल हैं, जैसे मान लो यूँ हो 3,150 और 2,150, दोनों तरफ बराबर है तो आप लगा दो इक्वल का साइन, ठीक है। अब है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। जैसे मान लो आपको दिया है 2,500, 5,500, 6,500, 1,500। अब आपको पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग का मतलब है कि छोटे से बड़ा चलना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1,500, तो पहले लिखोगे आप इसे। फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, 2,500। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, 5,500। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, 6,500। ये हो गया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर। नेक्स्ट है ऐसे ही डिसेंडिंग देख लो। डिसेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इसे, जैसे मान लो मैं इसी नंबर को, यही सारे नंबर जितने हैं इसको ही मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, तो डिसेंडिंग का मतलब होता है उल्टा। असेंडिंग था छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग हो गया बड़े से छोटा, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो डिसेंडिंग में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 6,500। उससे स्मॉलेस्ट नंबर है 5,500, फिर है 2,500, और फिर है 1,500। तो इसको मैंने ये असेंडिंग में लिखा और ये लिखा मैंने डिसेंडिंग में। तो ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर लिखना, या फिर किसी भी डिजिट से स्मॉलेस्ट बिगेस्ट बनाना। ऐसे ही मान लो कोई नंबर आपको दे रखा है 0, 2, 4, 1। अब आपको इससे पूछा, इससे स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाओ और बिगेस्ट नंबर भी बनाओ, तो इन नंबर से देखो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना कैसे बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप चलो किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये ध्यान रखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर उसमें कोई जीरो नंबर है तो जीरो फर्स्ट नंबर पे नहीं आता, क्योंकि वैसे सबसे छोटा नंबर जीरो है, लेकिन जीरो फर्स्ट नंबर पे नहीं आता, जीरो आएगा सेकेंड नंबर पे। तो असेंडिंग के हिसाब से सबसे छोटा नंबर तो जीरो है, लेकिन जीरो फर्स्ट नहीं लिखते तो उससे थोड़ा बड़ा है वन, तो पहले आएगा वन और फिर आ जाएगा जीरो। अब उसके बाद देखो
असेंडिंग में है उससे थोड़ा बड़ा कौन सा नंबर है, टू, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फोर। तो ये बन गया हमारा इससे, इन जितने भी आपको डिजिट दे रखे इन डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। आप इन्हीं नंबर से अगर आपको बिगेस्ट बनाना हो, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट बोलो बिगेस्ट बोलो, तो इसके लिए आप इन्हीं नंबर्स को आप किस में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर है फोर, फोर से छोटा नंबर है टू, टू से छोटा नंबर है वन, और फिर लास्ट में है ज़ीरो, 4,210। जीरो लास्ट में रख सकता है लेकिन बस स्टार्टिंग में ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो भी डिजिट दे रखे उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, बिगेस्ट नंबर बनाना, कोई भी नंबर दे रखे उसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, या फिर साइन लगाना छोटे या बड़े का, या फिर जितने भी वन डिजिट नंबर, टू डिजिट का नंबर, थ्री डिजिट का नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट नंबर बताना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज में आपके नियरेस्ट 10 में, इनमें आपको एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन में देखो एस्टिमेट करना। एस्टिमेट में क्या देखते हैं कि अगर आपको नियरेस्ट 10 बोला है, किसने बोला है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 को जानने के लिए आपको क्या करना है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो अगला 10 कर दो, 5 से कम है तो पिछला 10 कर दो। जैसे देखो ये है 5 और इसमें आपको चेक क्या करना है, 5 और मोर देन 5, यानी 5 या 5 से ज़्यादा देखना है आपको। फॉर एग्जांपल देखो ये है 93 है, तो यहाँ देखो वंस की प्लेस पे नंबर कौन सा है, 3, टेंस के लिए नियरेस्ट 10 में अपन एस्टिमेट करते हैं तो कितना आ रहा है, 3। अब आपको 3 5 से कम है यानी इसका पिछला टेंस, पिछला टेंस कौन सा होगा, 90 रहेगा, ये हो गया, क्योंकि 90 से 100 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही नंबर ये हो जाए 96, तब आप इसका नियरेस्ट 10 में कैसे करेंगे कि ये 5 से ज़्यादा है, मंथ की प्लेस पे 6 आ गया, तो इसका मतलब है इस 9 की जगह, 90 की जगह आगे वाला 10 कर दो, यानी 100 हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही देखो 22 में ये 5 से कम है तो 20 ही रह जाएगा, लेकिन अगर ये 25 हो गया तो 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये 10 बढ़ गया, यानी 20 की जगह हो गया 30। ये होता है नियरेस्ट 10 में एस्टिमेशन। आप जरा देखो नियरेस्ट 100 में, किसमें, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में आप चेक करते हो 50 और मोर देन 50, 50 या 50 से ज़्यादा का नंबर आप देखते हो, तो जैसे तो आप कर सकते हो अगर 50 या 50 से ज़्यादा का है तो अगले 100 में, और अगर कम है तो वही 100 रह जाएगा। जैसे 160, देखो ये अपने को 100 में नियर करना है तो कितना हो गया 160, यानी ये 50 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा कितना, 100 की जगह सीधा 200। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह लिखा 140 तो फिर ये 50 से कम है तो ये सिर्फ रह जाएगा 100। क्लियर, नियरेस्ट 10 में। अगला है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 को देखने के लिए आपको क्या करना है, 500 और मोर देन 500 और मोर देन 500 देखो या 500 से ज़्यादा का डिजिट, जैसे आपको लिखा है 2625, अब आपको नियरेस्ट 1000 में करना है तो 1000 के लिए आपको यहाँ देखना है 500 से कम है या 500 से ज़्यादा है, तो यह 500 से ज़्यादा है तो अगला 1000 हो जाएगा 3000। लेकिन अगर इसकी जगह मैंने लिखा होता 2325 तो ये 500 से कम है, तो ये केवल रह जाएगा
2000, तो ये हो गया आपका नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 1000 के अंदर, ये हो गया। अब आपको जिसमें भी पूछा है, अगर उसने पूछा है कि नियरेस्ट 10 में करके डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस जैसे जो भी आंसर आ रहा है आपका चेंज करने पर उसको माइनस कर दो। जैसे मैंने इसमें पूछा है नियरेस्ट 10 में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले नियरेस्ट 10 में बदला, जैसे 22 और 25 को नियरेस्ट 10 में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस के लिए पहले मैंने 22 का 10 में किया 20, 25 को 10 में एस्टिमेट किया 30, अब इसे माइनस कर दो, 30 माइनस 20 तो कितना रह गया 10। ऐसे ही अगर मान लो उसने पूछा है कि इनको प्लस करो ऐड करो, टेंस में पहले तो एस्टिमेट करो और फिर उसको ऐड करो, तो मैंने तो पहले तो एस्टिमेट कर दिया और ऐड करने का मतलब होगा 30 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। इसी तरह से आपको इनका करना है, अगर डिफरेंस पूछा है तो पहले एस्टिमेट करो फिर माइनस कर दो, और अगर ऐड पूछा है 50 इसके बाद में इसको नियरेस्ट 100 में बोला है कि एस्टिमेट करके निकालो और फिर उसके बाद में ऐड करो तो प्लस कर दो, और डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दो। ये हो गया आपका डिजिट और उसी तरह से मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट है आपका रोमन नंबर। रोमन नंबर के लिए आप देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो हो गए आपके 10 तक के रोमन नंबर, और बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।